गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के अंदर आने वाली सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारे चैप्टर का बेसिक प्रिपेयर नहीं होता है। डेफिनेशंस याद नहीं है तो हम आगे कॉन्सेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ रियली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशंस भी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से, मोशन। मोशन होता क्या है? वर्ड ही क्या कह रहे हैं, मोशन है यानी कि मूवमेंट की बात हो रही है, राइट? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन ये जो पोजीशन का चेंज होना है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमने एक पॉइंट दिया है टाइम का, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात की जा रही है। उस टाइम ड्यूरेशन में अगर एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बी तक मूव करती हुई आ रही है तो हम कहते हैं दैट इज इन मोशन, राइट? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, हम तब कहते हैं वो चीज़ मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको टाइम दिया 1 आवर का। 1 आवर के अंदर अगर एक बॉडी ए से लेकर बी तक मूव होती हुई आ रही है तो वो मोशन में है, लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ टाइम दिया है 10 सेकेंड्स का और 10 सेकेंड्स में मूवमेंट नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में मूवमेंट हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मोशन नहीं है। जो टाइम दिया गया है 1 आवर का, उस 1 आवर के अंदर मोशन होना, मूवमेंट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर टाइम के कॉन्सेप्ट को भी कंबाइन किया गया है, राइट? नंबर 2 इज रेस्ट। रेस्ट का मतलब मोशन का जस्ट ऑपोजिट। मोशन का मतलब है मूवमेंट, किसी चीज़ का मूव होना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आना, लेकिन जब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही है, यानी अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया तो वो रेस्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो टाइम स्टिपुलेटेड है उस टाइम में उस बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, तब हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। और मोशन में व्हेन इट कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम देन इट इज सेट टू बी इन मोशन। आई होप यू गॉट इट। मोशन के टाइप देख लेते हैं जल्दी से। मोशन के टाइप है, फर्स्ट यहाँ पर गिवन है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि एक ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन का मोशन कैसा हो सकता है? एक कार का मूवमेंट हो सकता है, जब एक कार एक रोड पर स्ट्रेट मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है। और भी मोशन के टाइप्स होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट जहाँ से मूव हुआ सर्कुलर मूवमेंट में वापस उसी पोजिशन पर आ गया, तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन है। नंबर 3 टाइप का मोशन होता है पेंडुलम मोशन, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। जब एक पेंडुलम घड़ी का मूव करता है स्विंग की टाइप में, कैसे करता है मूव? ऐसे, फिर ऐसे, उसका जो बॉब होता है वो ऐसे से मूव करता है। इस टाइप का मोशन जो कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आई होप यू गॉट ऑल 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के ये तीनों कॉन्सेप्ट आप जल्दी से याद कीजिए। मोशन याद कीजिए, रेस्ट की डेफिनेशंस याद कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर और वेक्टर की क्वांटिटीज़ को ज़्यादा इलाबोरेट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर के बीच में ये जो डायरेक्शन की बात हो रही है ना, ये डायरेक्शन कहाँ से आ गई? जब हम 5 किलोग्राम पोटैटो पिक करते हैं उसमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, या फिर अगर हमने 2 लीटर मिल्क परचेज़ किया उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती है तभी ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ है स्केलर क्वांटिटीज़, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? ये क्वांटिटीज़ हम क्लास 9 में फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ आज तक पढ़ी है, जिसमें चाहे वो टेम्परेचर मेजर करना हो, मास मेजर करना हो, इनमें किसी में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। अब पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में कब हमें डायरेक्शन की नीड होती है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आप ये डोर ओपन कीजिए, इस डोर को ओपन करने के लिए आपने कहा कि अच्छा मैम इसमें कितना फोर्स लगेगा, मैंने कहा कुछ नहीं बस 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ डोर ओपन हो जाएगा, आपने जाके डोर को 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया राइट बाय हैंड, लेट्स से फिजिकली आपने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, आपने ओपन किया डोर ओपन नहीं हुआ, आपने डोर को और हार्डली पुश किया आपने फोर्स बढ़ा दिया 10 न्यूटन से आप 15 न्यूटन पर आ गए तब भी डोर ओपन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको डायरेक्शन बताई ही नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि फ़ोर्स आपको किस डायरेक्शन में लगाना है, अगर मैंने आपको बताया होता कि फ़ोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना है तो डोर ओपन हो जाता राइट। तो ये था डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट वाला एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको हम वैक्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी फोर्स जब मैंने आपको बताया ना और मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया कि आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इसके साथ ज़रूरी था कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो फोर्स लगेगा ना ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? तो ये था, तो जब मैं आपको कहती हूँ कि फोर्स के अंदर डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है तो ये जो फोर्स नाम की क्वांटिटी है ना यही है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो मैंने आपको कहा ना 10 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड है, के साथ साथ हमें इसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है, डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर, यही होती है हमारी वैक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि फोर्स को हम कहते हैं ये एक वैक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या थी। ठीक है, इससे पहले आपने जितनी स्टडी की है ग्राम से लेकर लीटर से लेकर अभी तक हमें कभी भी वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लास 9 में हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी, यानी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए यहीं से हमारा बेस बनना शुरू हो जाना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है और स्केलर क्वांटिटीज़ हैं दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक नोट की तरह आप इसको इम्पॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पर। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। डिस्टेंस तो हम हमेशा से जानते हैं, है ना, डिस्टेंस तो हमने बहुत बार पढ़ा है, तो इसमें नया क्या है? ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमें डेफिनेशन के थ्रू यू नो वर्ड फॉर्मेट में भी इसको याद करने की ज़रूरत है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक पाथ पर जब कोई यू नो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसने जितना पाथ ट्रेवल किया ना उसका ट्रेवल्ड डिस्टेंस होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक जब वो मूव करता हुआ जा रहा है तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो जो टोटल पाथ लेंथ होती है वही कहलाता है डिस्टेंस। हम कह सकते हैं एक पॉइंट ए है, वहाँ से लेकर पॉइंट बी तक आने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जब वो मूव होना शुरू करता है तो वो बहुत बार आगे पीछे घूमेगा, यू नो कभी वो कर्व्ड पाथ पर जाएगा या फिर हो सकता है कि ट्रैफिक होने की वजह से उसे यू टर्न भी लेना पड़े, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जो टोटल पाथ ट्रेवल होगा जिसमें यू नो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में टोटल जितना भी उसने ट्रैवल किया है ये टोटल पाथ की लेंथ कहलाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या आप कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। डिस्टेंस क्लियर है, पता है हमें पहले से, बस थोड़ा सा हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि डिस्टेंस से मिलता जुलता एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, डिस्टेंस का मतलब है हमने टोटल जितना भी ट्रेवल किया ए से लेकर बी तक आने में वो सारा का सारा डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब पॉइंट ए से बी तक आने में जो ये टोटल इधर उधर का हमने यू नो पूरा का पूरा ऐसा ऐसा पाथ लिया जिसमें हमने थोड़ा यू टर्न लिया, थोड़ा यू नो कभी बैकवर्ड गए कभी फॉरवर्ड गए, करते करते हमने जो टोटल डिस्टेंस लिया था उस डिस्टेंस को मेजर करने का एक शॉर्टकट भी हो सकता है।
अगर हम ये कहें कि हमने पॉइंट ए से बी तक का जो ये लॉन्ग टाइम डिस्टेंस लिया है ना, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस लिया है, इसका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। एक पॉइंट ए से लेकर बी तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या चीज़ है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है। इसी स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने कोई यू टर्न नहीं लिया जहाँ पर, जहाँ हमने स्ट्रेट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कवर किया, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पॉइंट ए से बी तक आने में टोटल लेंथ है कितनी। ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत सारा रास्ता लेंदी चूज़ किया, हम इधर से उधर मूव करते हुए गए। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ ए से लेकर बी तक आने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आता है मोशन के बारे में।